वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। हे व्हाट्सअप गाइस, आई हैव आर्टिकल हेयर फ्रॉम डेली मेल यूके और यहाँ पर बताया गया है आपका मोबाइल फ़ोन 7 टाइम डर्टियर है देन आर टॉयलेट सीट। 2011 में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने फाउंड किया वन ऑफ द 6 मोबाइल फ़ोन ऐसे थे जो कि कंटेन करते थे ऐसे बैक्टीरिया जो कि कॉज बन सकते हैं फूड पॉइजनिंग का। इसके अलावा साइंटिस्ट ने स्कैन किया एक टॉयलेट सीट को तो उन्होंने ब्राइटन स्पॉट वहां पर देखे जो कि बैक्टीरिया को जाहिर करते हैं और एक टॉयलेट सीट पर बैक्टीरिया के ब्राइटन स्पॉट थे 220 और जब एक मोबाइल फ़ोन को स्कैन किया गया तो वहां पर ब्राइटन स्पॉट थे 1479। इसका मतलब यह है कि आपका स्मार्टफोन ज़्यादा बैक्टीरिया कंटेन करता है देन अ टॉयलेट सीट। आई हैव अनदर आर्टिकल फ्रॉम दी वर्क और यहाँ पर 22 केस स्टडीज़ जो हैं वो ये जाहिर करती हैं कि कोरोना वायरस जो है वो इनैमिनेट सरफेस लाइक मेटल ग्लास यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर 9 दिन के लिए जिंदा रह सकते हैं। सो इसके चांसेस हैं कि आपका स्मार्टफोन जो है वो कंटेन करता है वायरस को जो कि कोज बन सकता है इस डिसीज़ का। सो यहाँ पर आपको चाहिए कि अपने स्मार्टफोन को आप क्लीन कर लें। आई हैव अ वीडियो हेयर फ्रॉम बीबीसी और यहाँ पर बीबीसी में एक डॉक्टर जो हैं उन्होंने ये चीज़ बताई है कि आप अपने स्मार्टफोन को ईजिली क्लीन कर सकते हैं और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको साफ कर सकते हैं विद द लिक्विड सोप जो कि आप डेली बेस पे अपने घर में यूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज को टेस्ट किया गया सो रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी शॉकिंग है। आपको मोबाइल फ़ोन को सिर्फ क्लीन करना है लिक्विड सोप के साथ जो कि आप डेली बेस पर घर में इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर एक और आर्टिकल देखा है जो कि है एप्पल स्पोर्ट की तरफ से और यहाँ पर एप्पल जो है उन्होंने ये चीज़ कही है कि अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो सिंपली आपको अपने आईफोन को साफ करना है विद 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है जिसे हम अल्कोहलिक वाइप कहते हैं उसके ज़रिए अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को साफ कर लेते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत हद तक फ्री हो जाएगा। इसका मकसद बताने का ये है कि अगर इतनी क्वांटिटी के अंदर आपका स्मार्टफोन कंटेन कर रहा है वायरसेस और बैक्टीरिया को सो इसका 100% चांस है कि आपका मोबाइल कोरोना वायरस को भी कंटेन कर सकता है। सो आपको चाहिए कि आपने मोबाइल को यूज़ करने के बाद अपने हाथों को वॉश कीजिए। सो दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। आई विल गेट यू इन माई नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।